पेश है लंच टाइम बुलेटिन। संसद सत्र के बाद 3 दिन के कश्मीर दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कश्मीर में पार्टी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम की घुसपैठ की कोशिशों को किया नाकाम। घुसपैठियों को ढेर कर भारतीय सेना ने पाकिस्तान से कहा आकर शव ले जाओ। भारतीय सेना के एक्शन से घबराया पाकिस्तान। बोफोर्स से घबराए पाकिस्तान ने पीओके में जारी की एडवाइजरी, सेना को किया अलर्ट। एयर इंडिया ने फिक्स किया किराया, श्रीनगर से दिल्ली लौटने के लिए देने होंगे 6,715 रुपए। किराए में कटौती पर पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर दिया धन्यवाद। उन्नाव रेप केस के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर सीबीआई का सर्च ऑपरेशन शुरू। शनिवार को कुलदीप सिंह सेंगर से पूछताछ के लिए सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम पहुंची थी सीतापुर जेल। देश में नहीं थम रहा मॉब लिंचिंग का कहर, बिहार में एक बार फिर दिखा भीड़ तंत्र का कहर। बच्चा चोरी के शक में शख्स को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। बारिश से लड़खड़ाई मुंबई। मुंबई के ठाणे और पालघर में कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण कई ट्रेनें हुई रद्द, रेड अलर्ट जारी। वेस्टइंडीज के खिलाफ फ्लोरिडा में खेले गए पहले T20 मुकाबले में नवदीप सैनी ने भारत के लिए किया धमाकेदार डेब्यू। मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बनाया गया मैन ऑफ द मैच। नवदीप ने पहले ही मैच में बनाए कई रिकॉर्ड्स। 3 T20 मैच सीरीज में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा मुकाबला आज। अमेरिका के फ्लोरिडा में हुए पहले मैच में भारत ने दर्ज की जीत। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और सिंगर किशोर कुमार का 90वां जन्मदिन आज। पूरे फिल्मी करियर में 600 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों के लिए दी थी आवाज। जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म बाटला हाउस की रिलीज पर रोक लगाने की मांग। एनकाउंटर के आरोपियों ने दर्ज की याचिका। 15 अगस्त के मौके पर रिलीज होगी फिल्म। अमेरिका के टेक्सास के वॉलमार्ट स्टोर में गोलीबारी, 20 लोगों की मौत, 26 घायल। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।